नमस्कार, मेरा नाम श्रेय देसाई है। ये मेरा सौभाग्य है कि सर्च संस्था के साथ कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ से प्रेरणा मिली है और मुझे बहुत आनंद है कि आप सब युवा लोगों को भी सर्च में या ऐसी संस्थाओं में कुछ सीखने का एक अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई है। मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा। जो कई सारे निर्माण फेलोज़, निर्माण के जो एलुमनाई हैं, यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद हमारी संस्था से जुड़े हैं और उनके बारे में दो चीज़ हमें बहुत प्रभावित करती है हमेशा। एक, उनका गरीबों के प्रति जो एक पैशन है, उनके लिए कुछ करने की जो उनकी पैशन है, वो हमेशा बहुत प्रभावित रही है। और दूसरी है कि ये काम करते करते एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ का प्रिजर्व करते हुए ये काम करना है। वो भी अब तक हम जितने 5-6 निर्माण एलुमनाई के संपर्क में आए हैं, उनके साथ काम किया है, तो ये एक उनके व्यक्तित्व का जो हिस्सा है वो भी बहुत इम्प्रेसिव है। तो ये जो दो बात कही, एक तो गरीबों की के लिए एक सेंसिटिविटी और वो सेंसिटिविटी को कार्य में परिवर्तित करना, और दूसरा मॉरल वैल्यूज़ को प्रिजर्व करते करते करना, ये चीज़ हमने हमेशा निर्माण से में जुड़े हुए युवाओं को देखी है। जो मैसेज देना चाहता हूँ वो थोड़ा शायद अलग लगेगा। हमारे समाज में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा काम करना चाहिए, उस पे तो ध्यान रखना ही है, उसको स्टडी करना है, उसको डाइसेक्ट करना है, उसके सामने एक लड़ाई लेनी है। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जो मैंने खुद को तैयार किया हो, खुद को तैयार किया हो, अंदर से मजबूत हुआ हो, मैंने अंदर झांक के देखा हो, मैंने खुद को पहचाना हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। एक बार खुद को तैयार कर लिया ना, तो बाकी सब तो का व्यवस्था हो जाती है। जब हम सामाजिक समस्याओं की बात करते हैं तो हम बहुत बहिर्मुखी हो जाते हैं, बाहर क्या चल रहा है, बाहर की समस्याओं के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली खुद के बारे में बहुत कम सोचते हैं। खुद के बारे में यानी, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि खुद के बारे में यानी सेल्फिश होने की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन खुद के अंदर झांकना और खुद को तैयार करना और अपनी मन और शरीर, स्पेशली मन पर को तैयार करना, उस पर हम बहुत कम ध्यान कई बार देते हैं, तो उसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बाहर की समस्याओं को और मेरे मन में क्या चल रहा है, खुद को कैसे मैं मजबूत कर सकता हूँ, ये एक बार बैलेंस मिल जाता है तो यूजुअली कहीं से हमें राह मिल जाती है, एक प्रेरणा मिल जाती है। तो मेरा संदेश तो बेसिकली यही है कि खुद को तैयार करो, बाहर के प्रॉब्लम के साथ साथ खुद को भी पहचानो, खुद को मजबूत बनाओ। और उसके लिए एक कविता है, बहुत मुझे बहुत प्यारी है, और वो कविता है रुडयार्ड किपलिंग, हु इज़ वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड। इसमें मैं जो कहने जा रहा हूँ उसका मोस्ट ऑफ द कंटेंट आ जाता है। तो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है, एंड इट इज़ एड्रेस टू मी, इट इज़ एड्रेस टू यू, इट इज़ एड्रेस टू एवरीबडी। इफ़ यू कैन ड्रीम, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, यदि आप सपना देखो लेकिन सपने को अपना मास्टर मत बनाओ। इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, आप सोचो लेकिन अपनी सोच को एम मत बनाओ जिंदगी में। इफ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, आपको जब भी सफलता मिले निष्फलता मिले लेकिन इस दोनों को ऐसे ट्रीट करो कि जैसे वो दोनों सही है,
कभी विक्ट्री हो गई तो बहुत ऊपर चले गए, डिफीट मिली गई तो बहुत दुखी हो गए, लेकिन ऐसा नहीं, एक संभव रखो, ऐसी एक मानसिक परिस्थिति को निर्माण करो, ऐसे मन को मजबूत करो कि आप ऐसा कर सको, तो ये काम करने में बहुत मज़ा आएगा। समाज में तो बदलाव आएगा, लेकिन आपके खुद में जो बदलाव आएगा दैट वुड बी रिमार्केबल। सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, और इसके साथ मैं आप सबको इनविटेशन भी देना चाहता हूँ कि सेवा रूरल गुजरात जब भी आए तो विजिट कीजिए, हमें बहुत आनंद आएगा आप सबको मिलने। आभार।